नमस्कार, स्वागत है आपका द इंदौरिया न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के जिला रोहतक में आग लगने की बड़ी खबर। जिले में नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि रैन बसेरे में रहने वाले परिवार सुरक्षित हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी है आग, साथ ही साथ नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही बताई गई। तो चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में मारपीट की वारदात आई सामने। मारपीट करने वाले शख्स का नाम अमर चौधरी है, जो बीजेपी सरकार में मंत्री किशन पाल गुर्जर का भांजा है। पहले फोन पर दी धमकी, बाद में थाने बुलाकर पीटा। इतनी बर्बरता से की गई पिटाई कि जरा भी चूक से जान भी जा सकती थी। तो चलिए रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला पलवल में रेलवे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार जैसे काले कारनामों का भंडाफोड़। रेलवे कर्मचारी रात में टीटी बन जाते थे और यात्रियों से खूब वसूली करते थे। उनका यह कारनामा तब सामने आया जब एक ही रेलवे कर्मचारी से पैसे मांगने लगे, तब कर्मचारी ने इसकी वीडियो बना ली। तो चलिए रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला रेवाड़ी में किन्नरों का विरोध प्रदर्शन। आज रेवाड़ी में किन्नरों ने कुंज गली स्थित निखिल ज्वेलर्स के सामने खूब रोष जताया। किन्नरों का आरोप है कि उनके साथ ठगी हुई है और उन्हें नकली ज्वेलरी दी गई है। इस बात पर गुस्साए किन्नरों ने जमकर बवाल किया। तो चलिए रुक करते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला गुरुग्राम में बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलतावाद ने शिरकत की और साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेस की जर्जर पड़ी सड़क के निर्माण कार्य का आश्वासन भी दिया। तो चलिए रुक करते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला रेवाड़ी के नायब तहसीलदार ने खुद को बताया शेर और कहा कि मेरे जैसा बनने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। नवनियुक्त जिला तहसीलदार आगे कहता है कि वह 10 साल की नौकरी में 9 बार ट्रांसफर सस्पेंड और चार्जशीट हो चुके हैं। तो चलिए रुक करते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के जिला रोहतक में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार सभी के लिए परेशानी का सबब है। आगे वो कहते हैं कि किसान आंदोलन उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जो जाति और धर्म के ठेकेदार बनते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में बारिश की संभावना। प्रदेश के कई जगहों पर मौसम ले सकता है करवट। अगले 3 घंटे में भिवानी, चरकी दादरी, हिसार, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद, पलवल कई जिलों में बारिश की संभावना। तो चलिए रुक करते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश के जिला अंबाला में 1857 की क्रांति का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। अनिल विज आगे कहते हैं कि स्मारक के निर्माण की लागत करीब 300 करोड़ होगी और स्मारक करीब 22 एकड़ में बनाया जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं दसवीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। किसानों का रोष प्रदर्शन देश में कई हिस्सों में चल रहा है। हरियाणा के जिला सिरसा में किसानों का आमरण अनशन जारी है। आज दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे किसानों ने अपने सहयोगी दलों से एकत्रित रहने का साथ मांगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।